हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश राइटे। मध्य प्रदेश की दोस्तों एक और हम नई भर्ती लेकर आ चुके हैं। आपकी ये भर्ती दोस्तों यहाँ पर निकाल के जिला स्तर पर दोस्तों आपकी भर्ती होनी है, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से जिलों में होनी है वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। इसका जो दोस्तों नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है, ठीक है। कौन कौन से पद रहेंगे देखिए, यहाँ पर रहेगा सफाई कर्मी, फैकल्टी, ऑफिस असिस्टेंट और अन्य पद यहाँ पर निकाले गए हैं। आप लोगों को दोस्तों 4 जून तक यहाँ पर आवेदन यहाँ पर करना है, ठीक है। लास्ट डेट रहने वाली है, चलिए हम देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। आप लोगों से मेरा एक ही निवेदन रहता है दोस्तों, आप लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो कर दें लाइक। चलिए चलते हैं नोटिस की ओर। देखिए दो रहेगा दोस्तों, पहला नोटिफिकेशन, ये रहेगा पहला नोटिफिकेशन। ये आपको जो नोटिफिकेशन है सामाजिक उत्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान से दोस्तों यहाँ पर निकाला गया है, ठीक है। एक पोस्ट यहाँ पर दोस्तों रहने वाली है, कॉन्टेक्ट बेस पे आपकी भर्ती रहेगी, 24-25 के लिए यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आओगे कब तक भेजना है दोस्तों आवेदन, देखिए 4 जून तक आप लोगों को यहाँ पे आवेदन भेज देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब हम बात कर लेते हैं, देखिए पद की, तो पद आपका कौन सा रहने वाला दोस्तों, पद रहेगा आप लोगों को देखिए यहाँ पर वॉचमैन यानी सब स्टाफ की भर्ती रहेगी, 21 से 35 बाद ए रखी गई है आप लोगों की, ठीक है। यहाँ पर आप लोग 10वीं पास हैं दोस्तों तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर कौन से जिले के कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर छिंदवाड़ा जिले के जो रहेंगे आवेदक वो इसमें ओनली आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहला पद रहेगा। अब हम बात कर लेते कि यदि आप दोस्तों SC ST में आते हैं तो मिलेगा 5 साल का रिलेक्शन, OBC वालों को मिलेगा 3 साल का, ठीक है। यहाँ पर इसके पश्चात आप लोग यहाँ पर आओगे तो देखिए आपकी सैलरी की बात कर लेता हूँ मैं, देखिए 6,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी रहेगी, 1 साल में 15 दिन की छुट्टी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। आपका जो चयन होगा दोस्तों सिलेक्शन, तो देखिए आपका पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है यहाँ पर। और आप लोगों को रहेगा दोस्तों आवेदन, तो इनका जो एड्रेस दिख रहा है दोस्तों ये एड्रेस है, ठीक है। इस एड्रेस पे दोस्तों आप लोगों को आवेदन यहाँ पे भेज देना है 4 जून तक, ठीक है। आपकी कोई फीस नहीं लगने वाली। कौन सा रहेगा फॉर्मेट, तो फॉर्मेट देख लो आप लोग, ठीक है। फॉर्म बता देता हूँ मैं आप लोगों को दोस्तों, ये रहेगा फॉर्मेट। यहाँ पर आपको लगाना फोटो लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका पद का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा आपको दोस्तों पूरा भर लेना है यहाँ पर, ठीक है। जो भी आपका नाम है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि की, ये आप लोग भर के और जो मैंने आपको एड्रेस बताया उसको भेज दें, ठीक है। अब चलिए चलते हैं दूसरे नोटिफिकेशन पर। दूसरा दोस्तों आपका ये निकाला गया है, देखिए ये कहाँ का रहने वाला है, तो देखिए ये रहेगा ऑफिस असिस्टेंट का पद रहने वाला है दोस्तों। छिंदवाड़ा में 2 पोस्ट है, सीओनी में 1 पोस्ट है, बालाघाट में 1 पोस्ट, ठीक है। 2024-25 के लिए होने वाली कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, ठीक है। लास्ट डेट 4 जून आपकी रहने वाली, 4 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पद का, देखिए ऑफिस असिस्टेंट का पद रहेगा, 21 से 35 ए रखी गई है। और यहाँ पर आप लोगों ने BSW किया हो ग्रेजुएशन में, BA किया हो, BCOM किया हो कंप्यूटर के साथ में, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आप लोगों को बालाघाट, सियोनी और छिंदवाड़ा की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, छिंदवाड़ा के निवासी, सियोनी के निवासी या बालाघाट के निवासी, तो ये आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये आवेदन कॉन्टेबेस भर्ती रहेगी, 12,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी यहाँ पर मिलने वाली, ठीक है। इसके पश्चात 15 छुट्टी यहाँ पर मिलने वाली साल भर में आप लोग लिए, और जो ऑफिस असिस्टेंट का जो काम होता है कंप्यूटर पर, ठीक है, वहाँ के रजिस्टर्ड काम करना रजिस्टर पर वो काम करना पड़ेगा। आपका सिलेक्शन हो जाएगा इंटरव्यू के आधार पर, आपका सिलेक्शन होना है। आप लोगों को 4 जून तक दोस्तों आवेदन भेज देना है। कहाँ पर भेजना है तो आपको दिख रहा होगा इनका ये वाला एड है, ठीक है। रीजनल हेड ऑफिस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रीजनल ऑफिस, ठीक है। यहाँ पर आपको भेजना पड़ेगा इस एड्रेस पर, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख लें, ठीक है। एप्लीकेशन फीस आपकी कुछ नहीं लगने वाली है, मतलब ये रहेगा निःशुल्क, ठीक है। यहाँ पर कोई फीस आपको नहीं लगने वाली। चलिए इसका आवेदन देख लेते दोस्तों, ये रहेगा ऑफिस असिस्टेंट का फॉर्मेट। यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा फोटो ऊपर, ठीक है। यहाँ पर फोटो लगेगा आप लोगों का, और यहाँ पे आपका फोन नेम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। इसके पश्चात डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बुला लेना आप लोगों को। यहाँ पे जेंडर, नेशनलिटी, रीजन, ठीक है, मैरिड अनमैरिड, ठीक है, फादर्स नेम, परमानेंट एड्रेस, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको फिल करना पड़ेगी, ठीक है। किस बोर्ड से किया आपने, क्या परसेंटेज है, वर्ष क्या है, ठीक है, और डिटेल्स आपको डालना पड़ेगी फुल, ठीक है। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों भर के जो मैंने एड्रेस बताया है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हो वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन। दूसरी दोस्तों आपकी ये रहेगी पोस्ट, और ये रहेगी आपकी छिंदवाड़ा और बालाघाट में, ठीक है। 2 पोस्ट दोस्तों निकाली गई हैं, 2024-25 के लिए होने वाली, 4 जून तक आप लोगों को आवेदन यहाँ पे जमा कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप लोग आओगे तो हम जब देख लेते हैं, देखिए आपका जो पद रहेगा दोस्तों, आपका जो पद रहेगा वो रहेगा अटेंडर का पद, आपका रहने वाला है 21 से 35 एज रखी गई है। यहाँ पर आप लोग 10वीं पास हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ के निवासी कर सकते हैं, तो छिंदवाड़ा और बालाघाट के ओनली जो रहेंगे निवासी जिले के वो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर
और यदि आप एससी एसटी में आते हैं तो मिलेगी 5 साल की छूट, ओबीसी वालों को 3 साल की और पीडब्ल्यू वालों को 10 साल की छूट यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पर आओगे तो देखिए आपकी जो भर्ती रहेगी दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्ती होनी है 1 साल के लिए, बाद में इसको यहाँ पर एक्सटेंड यहाँ पर कर दिया जाता है। ठीक है, अमाउंट की बात कर लेता हूँ मैं, सैलरी तो देखिए आप लोगों को सैलरी दोस्तों मिलेगी 8,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है, 1 साल में 15 छुट्टी आपको मिलने वाली। ठीक है, यहाँ पर और जॉब आपका वॉचमैन अटेंडर का ये रहेगा जो भी काम होता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ मैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन आपका किया जाएगा, कोई फीस आपको यहाँ पर नहीं लगने वाली है। ठीक है, आप लोगों को 4 जून तक यहाँ पर भेज देना है। कहाँ पर भेजना है आपका फॉर्मेट तो ये रहेगा इनका एड्रेस का नाम, इस एड्रेस पे दोस्तों आप लोगों को भेज देना है। ठीक है, कौन सा फॉर्म भेजना चलिए हम देख लेते हैं फॉर्मेट। तो दोस्तों ये रहेगा अटेंडर का फॉर्मेट, ये वाला आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, फोटो आ जाएगा, ठीक है किस पद के लिए करना चाहते हैं वो जाएगा। इसके पश्चात आप लोग यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपका नाम, ठीक है आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है आयु, ठीक है यहाँ पे आपकी किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, किस धर्म आपका, मोबाइल नंबर, ठीक है भूतपूर्व सैनिक हो तो बोले के हैं, विकलांग हो तो बोले के हैं, आपका पूरा पता हो, ठीक है इसके पश्चात आप विवाह हैं नहीं है बोले के हैं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपने किस बोर्ड से किया है, क्या परसेंटेज रहा, कब किया है, ठीक है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन हिंदी इंग्लिश में यदि आपको आती है नहीं आती टाइपिंग, ठीक है बोल रखना पड़ा कंप्यूटर ज्ञान बोल रखे आप लोग यहाँ पे बोलना आपको, ठीक है बोलना आता है, इंग्लिश लिखना आता है, हिंदी इंग्लिश जो भी है वो आप यहाँ लिखें। ठीक है, तो ये रहेगा इसका फॉर्म भरना पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन पर। दोस्तों ये रहेगा आपका नेक्स्ट नोटिफिकेशन और ये रहेगा काउंसलर का। ठीक है, एक पोस्ट है आपने खाली गई है बालाघाट में, ये आपकी रहने वाली, ठीक है यहाँ पर 24-25 के लिए। ठीक है, इसके पचास 4 जून तक आप लोगों को जमा करना है। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर आओगे तो आपका जो पद रहेगा काउंसलर यानी FLCC में आपका रहने वाला है। 65 वर्ष मैक्सिमम एज इसमें रखी गई है। देखिए यहाँ पर आप ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो UGC से प्राप्त तो आप लोग आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, यानी बर्तन जो आपका जैसे पता है बर्तुल्ला विश्वविद्यालय वो UGC प्राप्त है। ठीक है, इसके पश्चात आप लोग यहाँ पर आओगे तो देखिए दोस्तों ये जो रहेंगे आवेदन इसमें जो फ्रेश वाले आवेदक वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कम से कम एक्सपीरियंस दोस्तों मांगा हुआ है 20 साल का एक्सपीरियंस हो कम से कम आपके पास या 15 साल का एक्सपीरियंस हो, और जो सेवानिवृत्त है वो आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं, एम्प्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो ये फ्रेश वालों आवेदक के लिए आपका नहीं रहने वाला है। और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दोस्तों यहाँ पर भर्ती होनी है, 1 साल के लिए रहने वाली है, बाद में इसको तो एक्सटेंड भी यहाँ पर कर दिया जाएगा। ठीक है, और सैलरी भी आपको अलग अलग सैलरी आपको इसमें रहने वाली, फिक्स नहीं रहेगी सैलरी इसमें, और 1 साल में 15 दिन की छुट्टी आपको मिलने वाली। ठीक है, यहाँ पर और जॉब आपको संबंध काम करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ मैं तो देखिए इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होने जा रहा है। ठीक है, आवेदन कब तक भेजना है तो 4 जून तक आवेदन आप लोगों को कहाँ पर भेजना है वो देख लो एड्रेस। ठीक है, ये रहेगा दोस्तों एड्रेस काउंसलर वालों के लिए, इस एड्रेस पे दोस्तों आपको आवेदन भेज देना है। ठीक है, जो मैंने बताया कोई भी आपको फीस नहीं लगने वाली, मतलब ये रहेगा निःशुल्क। ठीक है, तो ये दोस्तों 4 नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिए, सभी का आपको जो एप्लीकेशन की PDF है वो मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग ज्वाइन कर लें और वहाँ से डाउनलोड कर लें और आप लोग भेज दें। चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को लें सब्सक्राइब। और बता दूं मैं आप लोगों के लिए आपको वेबसाइट पर कहाँ से जाना, ठीक है वो देख लो आप लोग एक बार। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको आया ना गूगल पर, यहाँ पर लिखना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जैसे ही आप लोग लिखोगे आपके सामने फर्स्ट लिंक आ जाएगी। आपको दोस्तों यहाँ पर जाना पड़ेगा रिकमेंड ऑप्शन पर, ठीक है यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे इससे संबंधित नोटिफिकेशन है, ठीक है ना, नहीं होम पेज है वो हमारे सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सामने यहाँ पर ओपन हो रहा है, यहाँ पे हम चलते हैं। देखिए दोस्तों ये नोटिफिकेशन है यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए पहला आपका ये रहेगा ये वाला स्टाफ वॉचमैन, ठीक है यहाँ पर, और ये रहेगी 4 जून लास्ट डेट रहने वाली है। दूसरा रहेगा दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट का, छिंदवाड़ा, सियोनी, बालाघाट, ये एक पोस्ट रहने वाली, ठीक है ये रहेगा। तीसरा आपका ये रहेगा दोस्तों, और ये रहेगा आपका काउंसलर का रहने वाला है, ये रहेगा बालाघाट में रहेगा, ठीक है यहाँ पे आपका काउंसलर का, ठीक है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहने वाले। दूसरा रहेगा आपका ये, ठीक है दोस्तों ये आपके 4 नोटिफिकेशन वो यहाँ पर जारी किए गए हैं, सभी के मिल जाएंगे आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर ज्वाइन कर लें। दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप लोग चैनल पर नए चैनल को लें सब्सक्राइब, ताकि मध्य प्रदेश की सारी इन्फॉर्मेशन या भर्ती की जानकारी आपको तुरंत यहाँ से मिल सके। चलिए दोस्तों, ओके दोस्तों, थैंक्स।